हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, मज़े में ही होंगे. क्या लास्ट क्लास में? नहीं, लास्ट नहीं, दिस इज़ फर्स्ट क्लास. टुडे 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 वी विल स्टार्ट विथ, मैं कृष्णकांत मोदी, आई विल बी गोइंग टू टीचिंग यू द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी. मैं आपका अकाउंट्स नाम का ये सब्जेक्ट कैटर करने वाला हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? अकाउंट्स मतलब क्या? देखो, अकाउंट्स बोलो, अकाउंटिंग बोलो, या इवन अकाउंटेंसी बोलो, ये सारे एक ही टर्म है. एक ही टर्म्स के अलग अलग नाम है. अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अगर इन सब की बात करें तो ये तीनों के मीनिंग अलग अलग नहीं पड़ते, ये तीनों के एक ही मीनिंग होते हैं. तो व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? व्हाट इज अकाउंट्स? क्या होता है अकाउंट्स? मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय अकाउंट्स? जरा, कई बच्चे इसमें बोलते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. ठीक है, वो सही होता है. हिसाब रखना, प्रॉफिट या लॉस निकालना, हिसाब रखना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ये सब सही है. अगर इन सब चीज़ों को मिला मिलू के इन सब चीज़ों को मिला के अगर मैं एक डेफिनेशन में डालने की कोशिश करूँ, एक डेफिनेशन में काव करने की कोशिश करूँ, तो उसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज. क्या बोला मैंने? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज. ये एक भाषा है, जैसा हमारा हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, तमिल है, उसी तरह अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है. उसी तरह अकाउंट्स भी क्या है? एक लैंग्वेज. मैं कहता हूँ लैंग्वेज का काम क्या रहता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लैंग्वेज? कोई भी भाषा का काम क्या रहता है? भाषा क्या काम आती है? तो भाषा की मदद से हम किसी से बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, जैसा मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ. मैं क्यों कर पा रहा हूँ? दिस इज बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज. विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ. इवन मैं चाहूँ तो मेरे थॉट्स मैं रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ ना, लिख के रख सकता हूँ. कोई भाषा की मदद से मैं मेरे थॉट्स, मेरे एक्सप्रेशंस को मैं जॉट डाउन, नोट डाउन करके रख सकता हूँ, येस और नो. तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज. जैसा अपना हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल है, उसी तरह अकाउंट्स भी एक भाषा है. उसी तरह अकाउंट्स भी एक भाषा है. और भाषा का काम क्या होता है? भाषा का काम क्या होता है कि भाई हम रिकॉर्ड या कम्युनिकेट कर सके. हम क्या कर सके? रिकॉर्ड या कम्युनिकेट कर सके. कोई भी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड या कम्युनिकेट कर सके. बट इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसके कुछ लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस है मतलब दिस विल नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट एवरी ट्रांजैक्शन. नहीं, ये हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड या कम्युनिकेट नहीं करता. हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड या कम्युनिकेट नहीं करता. मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एक स्टूडेंट क्लास में देरी से आया. देरी से आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा. यस, कम ऑन. एक स्टूडेंट क्लास में देरी से आया, देरी से आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा. अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो कैसा बोलेंगे? यस वंशिका, आप बताएंगे इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? एक स्टूडेंट क्लास में देरी से आया, देरी से आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा. ये स्टेटमेंट को हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? Student came late in class and sir slapped him. स्टूडेंट केम लेट इन द क्लास, सो सर स्लैप्ड हिम. हिंदी में कैसा बोलेंगे? यस yes, हिंदी में. सोहम, आप बताइए हिंदी में कैसा बोलेंगे? एक मुला उशिरा नहीं आला हाँ, तो ये डाला था पड़ा. ये हिंदी नहीं हो गया, ये मराठी हो गया. बट ठीक है, मराठी में सही था. एक मुलगा उशिरला आला म्हणून सरांनी त्याला, सर इज नॉट अ मराठी वर्ड, शिक्षकांनी या अध्यापकांनी त्याला त्याला झापड मारले. हिंदी हिंदी हिंदी, ये मराठी हो गया. हिंदी में कोई ट्राई करना चाहेगा? हिंदी अंकिता, ये आप बताओ हिंदी में. छात्र देरी से आने की वजह से अध्यापक ने उसे छापड़ मारा, झापड़ मारा. मैं बताओ, अकाउंट्स ये भाषा है ना? अकाउंट्स ये भाषा है. ये सेम स्टेटमेंट अकाउंट्स की भाषा में बोल के देखो तो ऐसा कुछ होगा क्या? झापड़ अकाउंट डेबिट टू इज्जत अकाउंट, झापड़ कम्स इन, इज्जत गोज आउट. हम बोल सकते हैं क्या? नहीं. अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज. अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज विच विल गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. मतलब अकाउंट्स ये भाषा है, अकाउंट्स ये भाषा है. बट भाषा का लिमिटेशन क्या है? दिस इज नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, दिस विल गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वो हमको समझना पड़ेगा. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वो हमको समझना पड़ेगा. बट आगे बढ़ने से पहले मैं वापस रिपीट कर दूँ, व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट. बट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन नो, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. अच्छा, उसमें ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कैन एनी बडी हेल्प मी विद दैट ट्रांजैक्शन? लेन देन. ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग. इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन. हम आपस में बात कर रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो. दिस इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, दिस इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी ट्रांजैक्शन है. बट फाइनेंशियल वर्ड जुड़ गया, उसके सामने वर्ड क्या जुड़ गया? फाइनेंशियल. तो व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिंपल टर्म्स में? व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन?
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मनी से रिलेटेड, द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू मनी. ओके, एक जवाब आया कि सर जो पैसे से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं. ओके, और एनीबडी एनीवन और कुछ ट्राई करना चाहोगे फाइनेंशियल मतलब? कई स्टूडेंट्स का जवाब रहता है कि सर जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें पैसा पीसा इन्वॉल्व है, पीसा. मैंने एक एग्जांपल लेना है इसके लिए, एक मिनट. चलो एक काम करो, एक काम, कैमरा शुरू करो, आपके कैमरास शुरू करो, कैमरास. जैसा एक एक सेम थोड़ा सा बेयर कर लो मेरे साथ, ठीक है? जैसा मैंने ये अंकिता, अंकिता से मैंने पेन खरीदा, अंकिता से मैंने एक पेन खरीदा जो थोड़ा सा जला हुआ भी है, यहाँ से दिख रहा है, ये पेन खरीदा अंकिता से मैंने पेन खरीदा और बदले में मैंने 10 रुपये दिए. अंकिता से पेन खरीदा और बदले में 10 रुपये दिए, ठीक है? अंकिता से पेन खरीदा, बदले में 10 रुपये दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया. अब एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा हमारे पास में ये है, सोहम. सोहम से हमने ये किताब खरीदी, सोहम से हमने किताब खरीदी, ये किताब सोहम ने दी, बदले में सोहम को मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन दे दिया, बदले में सोहम को मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन दे दिया, ठीक है? सोहम को मोबाइल फ़ोन दे दिया. मेरे दो ट्रांजैक्शंस हुए, एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें मैंने पैसा दिया, एक ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें मैंने पेन खरीद के पैसा दिया, पेन लिया पैसा दिया, पेन लिया पैसा दिया. क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व है? क्या क्या इस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है, येस और नो? क्या मनी इन्वॉल्व है, येस और नो? है. अच्छा, जो दूसरा ट्रांजैक्शन था क्या उसमें मनी इन्वॉल्व है? क्या ये जो दूसरा ट्रांजैक्शन है क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? क्या कहीं पैसा इन्वॉल्व है क्या इसमें? इज मनी इन्वॉल्व इन दिस? पैसा इन्वॉल्व है क्या? इन्वॉल्व है क्या पूछ रहा हूँ मैं, पैसा इन्वॉल्व है क्या? पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पैसा इन्वॉल्व, हाँ चीज पैसे की है, बट क्या पैसा इन्वॉल्व है क्या इसमें? पैसा इन्वॉल्व है क्या? नहीं. तो आपने अगर बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा था कि दीज आर मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व होता है इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. इसको क्या बोलते हैं? हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस. और ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स गया गुड्स आया, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बचपन? बार्टर. इसको क्या बोलते हैं हम? बार्टर, बार्टर ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इसको क्या बोलते हैं? बार्टर ट्रांजैक्शन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो मेरे एक सवाल, सिंपल सवाल का जो जवाब दो, क्या मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल है या नहीं है? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो फाइनेंशियल है या नहीं है? ये फाइनेंशियल है. क्या बार्टर ट्रांजैक्शन जैसा कल बताया था, ठीक है, अभी जैसा बार्टर ट्रांजैक्शन जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है, क्या ये फाइनेंशियल है या नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि सर इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है. ऐसा कई बच्चे गलती करते कि सर ये नॉन मॉनिटरी है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो ये नॉन फाइनेंशियल, ये नॉन फाइनेंशियल क्योंकि सर पैसा इन्वॉल्व नहीं है. नहीं, अगर आप इसको नॉन फाइनेंशियल बोलोगे तो आप गलत हो. क्यों? मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों के दिमाग में आया कि सर ये नॉन फाइनेंशियल है, जिन बच्चों के दिमाग में आया कि ये नॉन फाइनेंशियल है, वो गलत है. क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शन वेयर द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर द ट्रांजैक्शन वेयर द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला द एक्सचेंज, दूसरा मेजर और तीसरा मनी. जहां हमने, जहां जिस ट्रांजैक्शन में हमने एक्सचेंज को इन टर्म्स ऑफ मनी गिन लिया, जहां जिस ट्रांजैक्शन में हमने एक्सचेंज को इन टर्म्स ऑफ मनी गिन लिया, वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा बोलो? वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? फाइनेंशियल. इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बात खत्म. क्या बोला मैंने वापस बोलो? इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? फाइनेंशियल. मतलब पैसा इन्वॉल्व रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर ये पेन, क्या ये पेन का वैल्यू हमने, ये एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज, ये पेन एक्सचेंज हुआ अंकिता और मेरे बीच में, ये पेन एक्सचेंज हुआ. कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी? 10 रुपये. कैन आई मेजर दिस एक्सचेंज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी? 10 रुपये. तो ये जो पेन है, ये पेन खरीद कर पैसा देना, ये फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? ये पेन खरीद कर पैसा देना फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? ये पेन खरीद कर पैसे देना फाइनेंशियल है. और वही 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 ये किताब दे के, किताब इन्हें किताब लेके मोबाइल फोन दिया, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है. बट कैन आई मेजर दिस किताब का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी? एक्सचेंज ये हुआ ना. कैन आई मेजर दिस किताब का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी? देख लो कॉपी के पीछे में प्राइस लिखी होती है, MRP दिख रही है क्या? 60 रुपये लिखी हुई है.
कैन आई मेजर दिस किताब का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? कैन आई मेजर दिस मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन आई मेजर दिस मोबाइल फोन का वैल्यू? कुछ 40,000 रुपए का फोन है, आई कैन मेजर द एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, आई कैन मेजर द एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, बात खत्म. इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल बन गया. दो ये वाले ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पैसा इन्वॉल्व था क्या? ई वाले ट्रांजेक्शन में कहीं भी पैसा इन्वॉल्व है क्या? नहीं. बट एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन बन गया? ये ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन बन गया? बोलो फटाफट बोलो, ये ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन बन गया? फाइनेंशियल. इफ द एक्सचेंज, हाँ हाँ ठीक है, इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर, क्या बोल रहा हूँ मैं ध्यान दो, इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन बन जाता है? फाइनेंशियल. इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन बन जाता है? फाइनेंशियल. इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या बोल रहा हूँ मैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें पैसा इन्वॉल्व है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें पैसा इन्वॉल्व है या नहीं, अगर इफ इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो क्या बन गया? फाइनेंशियल. एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया है. एवरीबडी हैड अ मोबाइल फोन विथ यू, जिससे क्लास देख रहे हो आप अभी इस वक्त हम लाइव जुड़े हुए हैं. तो एक मोबाइल फोन की मदद से या लैपटॉप की मदद से, लेट्स से यू आर वॉचिंग इट ऑन मोबाइल फोन, तो जो मोबाइल फोन आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट किया है, मैं कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ? आपके पेरेंट्स का आपको मोबाइल फोन देने वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ. मैं उस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आपके पेरेंट्स दुकान से जाके मोबाइल फोन खरीद के लाए, क्योंकि जब उन्होंने दुकान से खरीदा है तब पैसे दिए होंगे, दुकान से खरीदा है तब पैसे दिए होंगे. मैं इस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ? जब उन्होंने खरीद के ला लिया, खरीद के उन्होंने लाया और आपके हाथ में दिया. मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आपके पेरेंट्स ने मोबाइल फोन खरीद के लाकर आपके हाथ में दिया, इज इट अ ट्रांजेक्शन, यस और नो? जब मोबाइल फोन आपके पेरेंट्स ने खरीद कर लाकर आपको दिया, इज इट अ ट्रांजेक्शन, यस और नो? आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन देना, इज इट अ ट्रांजेक्शन? इज इट एन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग? इज इट एन एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग? नो नो, क्योंकि सर हमने बदले में कुछ नहीं दिया, हमने आप जैसी मोबाइल फोन मिलता है ऐसा टेबल पे पैसे रखते क्या? पापा 50,000 रुपये मोबाइल फोन के वैल्यू, ऐसा रखते क्या? अरे भावुक मत हो जाना, मैं अगर बोलूँ आपने बदले में क्या दिया तो बच्चे भावुक हो जाते. सर हम पढ़ते लिखते रिजल्ट लाते अच्छा नंबर स्कोर करते, दैट इज समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अवर साइड. हम बदले में हमारे घर वालों को उनको सुकून देते तंग ना करके, दैट इज समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम अवर साइड. ऐसा कई बच्चे बोलते. नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आपने बदले में मॉनिटरी कुछ दिया क्या उनको? बदले में मॉनिटरी कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं. इसको कॉमर्स की या लॉ या लीगल भाषा में बोला जाता है कंसिडरेशन. When we get anything in return, जैसे पेन खरीदते वक्त मैंने कंसिडरेशन क्या दिया? पेन खरीदते वक्त मैंने कंसिडरेशन 10 रुपया. जब मैंने पेन खरीदा तो बदले में मैंने 10 रुपये दिए, समथिंग इन रिटर्न 10 रुपीज़ था. इसको उल्टा भी बोल सकता हूँ, मैंने 10 रुपये स्पेंड करके बदले में क्या मिला? पेन मिला. बदले में क्या मिला? पेन मिला. तो मेरे 10 रुपये के बदले में मेरा कंसिडरेशन पेन है, मेरे 10 रुपये के बदले में कंसिडरेशन पेन था. अंकिता के लिए पेन के बदले में 10 रुपए थे, अंकिता के लिए पेन के बदले में 10, तो अंकिता का कंसिडरेशन 10 रुपया आया ना. देर वॉज समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टी, देर वॉज समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टी. याले केस में मेरे मोबाइल फोन के बदले में किताब, दैट वॉज माई रिटर्न. सोहम के लिए किताब के बदले में मोबाइल, तो देर वॉज अ वैलिड कंसिडरेशन. एक्सचेंज हुआ तो एक कंसिडरेशन था. जब आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया, इज इट अ ट्रांजेक्शन? पहले तो आप कई लोग बोल रहे ट्रांजेक्शन नहीं है, दैट इज अ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग. ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग. मोबाइल फोन आपके पेरेंट्स के हाथ से आपके पास आ गया क्या? मोबाइल फोन आपके पेरेंट्स से आपके हाथ में आ गया क्या? येस और नो? इज द मोबाइल फोन एक्सचेंज फ्रॉम द हैंड्स ऑफ योर पेरेंट्स टू यू? आपके पेरेंट्स से आपके हाथ में मोबाइल फोन आया या नहीं आया? क्या मोबाइल फोन आपके पेरेंट्स से आपके हाथ में आया कि नहीं आया? तो वॉज देयर एनी कंसिडरेशन, वॉज देयर अ ट्रांजेक्शन, यस और नो? क्या वो ट्रांजेक्शन है या नहीं है? आपके पेरेंट्स का मोबाइल फोन आपके पास आना, वो ट्रांजेक्शन है या नहीं है? वो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन है ना, यस और नो? तो वो ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन है. इज इट अ ट्रांजेक्शन? यस ऑफकोर्स इट इज अ ट्रांजेक्शन, यस ऑफकोर्स इट इज अ ट्रांजेक्शन. बट इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? आपने बदले में कुछ नहीं दिया, इट इज विदाउट कंसिडरेशन. आपने बदले में कुछ दिया क्या? नहीं. तो इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यस और नो? कम ऑन, भर भर के जवाब आ रहे हैं नो,
है ना। अब मेरे को एक चीज बताना, जब हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर द ट्रांजैक्शन वेयर द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरे को एक चीज बताओ, जब आपके पेरेंट्स ने जब आपको मोबाइल फोन दिया तो इज इट एन एक्सचेंज यस और नो? आपके पेरेंट्स ने जब आपको मोबाइल फोन दिया तो इज इट एन एक्सचेंज यस और नो? एक्सचेंज है ना, वही है ना मोबाइल। एक्सचेंज क्या है मोबाइल फोन यस और नो? एक्सचेंज क्या है? एक मोबाइल फोन है, यस और नो? कैन आई मेजर दैट एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन आई मेजर दैट मोबाइल फोन इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? क्या मैं वो मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या, यस और नो? कैन आई मेजर दैट मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? यस आई कैन मेजर द मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? सोच के जवाब देना। कैन आई मेजर द एक्सचेंज दैट मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? अरे बाबा, जो मोबाइल फोन तेरे सामने रखा हुआ है, क्या उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। नो नो काहे चिल्ला रहे हो? कैन यू मेजर दैट मोबाइल फोन? आपने बदले में कुछ नहीं दिया, मैं मानता हूं, मैं खुद बोल रहा हूं आपने बदले में कुछ नहीं दिया, बट क्या वो जो मोबाइल फोन आपको रिसीव हुआ, क्या उसका वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते क्या? यस, बात खत्म। अगर हम वो एक्सचेंज का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते तो बात खत्म। इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल बन गया। वो ट्रांजैक्शन क्या बन गया? दो देयर इज नथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ दिया नहीं हमने, दो देयर इज नथिंग इन रिटर्न, फिर भी वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है। फिर भी वो ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है? तब भी वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है? द एक्सचेंज का वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट क्या है? दैट द एक्सचेंज का वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जो एक्सचेंज हुआ, जो हमारे बीच में, यानी आपके बीच में और आपके पेरेंट्स के बीच में जो एक्सचेंज हुआ, क्या एक्सचेंज हुआ आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में? क्या एक्सचेंज हुआ? वो मोबाइल फोन। आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या एक्सचेंज हुआ? वो मोबाइल फोन। तो जो मोबाइल फोन है, क्या उसकी वैल्यू? आपने बदले में कुछ नहीं दिया, मैं खुद बोल रहा हूँ, गिफ्ट है ना, आपको बदले में कुछ देना पड़ा क्या? नहीं। बट क्या वो मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकता था क्या? यस। क्या वो मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकता था क्या? यस। तो वो मोबाइल फोन का वैल्यू अगर हमने इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर लिया तो वो एक्सचेंज ऑफ मोबाइल फोन आपके लिए फाइनेंशियल हो जाएगा। वो एक्सचेंज ऑफ मोबाइल फोन आपके लिए क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल। वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बिकॉज दैट मोबाइल फोन का वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। बदले में कुछ रहे, मैंने यहाँ डेफिनेशन में कहीं भी लिखा है क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में हमने कहीं भी ये लिखा है क्या? देयर शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन। हमने यहाँ कहीं भी ये लिख रखा है क्या? देयर शुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन, यानी देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा लिखा है क्या यहाँ पे? बदले में कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा लिखा है क्या? तो विदाउट कंसिडरेशन, अगर ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन है, इफ अ ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन, क्या वो फाइनेंशियल हो सकती है या नहीं हो सकती है? इफ अ ट्रांजैक्शन इज विदाउट कंसिडरेशन, क्या वो फाइनेंशियल हो सकती है या नहीं हो सकती? कमान हरी, अब जवाब दो। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हो सकती है नहीं हो सकती है? ऑफकोर्स हो सकती है। अगर ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन है तो वो भी फाइनेंशियल हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? दैट द एक्सचेंज शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट क्या है? दैट द एक्सचेंज शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जो एक्सचेंज हुआ है दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हमने उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर लिया तो वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाती है। वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाता है? फाइनेंशियल। ये समझा? क्या बदले में कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है कि डोनेशन, गिफ्ट, चैरिटी ये भी फाइनेंशियल हो सकती है? डोनेशन की बात करो, गिफ्ट की बात करो, चैरिटी की बात करो, बदले में कुछ मिलता है क्या? दे देते हम, बदले में कुछ मिलता है क्या? There is no valid consideration. Still that transactions are financial. Still those transactions are financial because the exchange can be measured in terms of money. अगर exchange in terms of money measure हो गया तो वो transaction financial बन गया। वो transaction क्या बन जाता है? Financial. I hope समझा है। I hope ये समझ में आया है। Yes or no? पक्का? Sure? Yes. कोई doubt है? आगे बढ़ू यहाँ से? अच्छा मेरे को बताओ, आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हैं, बदले में वो आपसे प्यार करते हैं, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन। आप आपके पेरेंट्स को प्यार करते हैं, वो बदले में आपसे प्यार करते हैं, तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन, यस और नो? तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन है, कैन बी मे यस 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 ऑफकोर्स इट इज एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन, इज इट अ ट्रांजैक्शन, यस और नो? जो एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन है, इज इट अ ट्रांजैक्शन, यस और नो?
इज इट अ ट्रांजैक्शन? नो, ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन है, बट फाइनेंशियल नहीं है, एक्सचेंज हो रहा है. देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग. इवन एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, बट इट इज नॉट अ फाइनेंशियल, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल. मैं ये नहीं बोल सकता ना, मेरे पापा 20 रुपए का प्यार करते, उसके पापा 40 रुपए का प्यार करते. वी कैन नॉट मेजर द लव एंड अफेक्शन ऑफ आवर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी. हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी गिन नहीं सकते. दो वो ट्रांजैक्शन है, दो एक्सचेंज ऑफ लव एंड अफेक्शन एक ट्रांजैक्शन है, बट वो नॉन फाइनेंशियल है, बट वो नॉन फाइनेंशियल बिकॉज वी कैन नॉट मेजर द लव एंड अफेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. वी कैन नॉट मेजर दैट लव एंड अफेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. ये समझा क्या मैंने, क्या क्या एग्जाम्पल लिया? अगर ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है, देखो ध्यान से सुनो, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ. अगर ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है तो पैसा इन्वॉल्व है तो बात ही खत्म. दिस एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बात खत्म. ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल. ये ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल. वेयर एज जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं था, जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं था बट इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये ट्रांजैक्शन भी कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? ये ट्रांजैक्शन भी कौन सा ट्रांजैक्शन बन जाएगा? फाइनेंशियल. क्योंकि मोबाइल फोन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकता है, इस किताब का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकता है, दोनों इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो रहे थे, फाइनेंशियल हो गया. बट वहीं आपने एक एग्जांपल लिया जहां आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया है, बदले में आपने कुछ नहीं दिया. एक पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन दिया, बदले में आपने कुछ नहीं दिया. देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर हैंड. देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मोबाइल फोन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ योर पेरेंट्स टू योर हैंड. देयर इज एन एक्सचेंज. कैन यू मेजर दैट एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी? वो जो मोबाइल फोन एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, कैन वी मेजर दैट मोबाइल फोन इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो? यस. तो वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. वो भी कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन है. देर इज नथिंग इन रिटर्न, देर इज नथिंग इन रिटर्न, बट स्टिल वो ट्रांजैक्शन भी कौन सा ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल. वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल. वाई फाइनेंशियल? वाई फाइनेंशियल बताइएगा, वाई फाइनेंशियल? बिकॉज द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. जहां एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो गया, मैटर खत्म, बात खत्म, वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन गया. वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन बन गया? फाइनेंशियल. आई होप आपको समझा है. पक्का? श्योर? अच्छा एक एग्जांपल जो मैंने शुरुआत में दिया था, स्टूडेंट क्लास में लेट आया, लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा. स्टूडेंट क्लास में लेट आया और लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा. कैन आई से दैट ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है? लेट आने की वजह से मैंने उसे झापड़ मारा, वो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है? लेट आने को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते क्या? नहीं. अब मान लो मेरे झापड़ में जादू है, मतलब मैंने जिसको झापड़ मारा उसकी तबीयत दुरुस्त, अब लोग आ रहे बोले सर ये 500 रुपये रखो झापड़ मारो. मैंने 500 रुपये लिए झापड़ मारा, अब मेरा झापड़ मारना, ये जो झापड़, हाँ मेरा ऑडियो लैग हो रहा है बेटा, आपके तरफ में नेट का इशू हो सकता है. मैं एक मिनट, मैं मेरे तरफ से चेक कर लेता हूँ. मैं चला आ जाओ. अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया है आपको, एग्जाम्पल क्या है कि भाई पहला एग्जाम्पल लेट आने की वजह से झापड़ मारा, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, मेरे झापड़ में जादू है, मैंने लोगों से पैसे लेके झापड़ मारा. पैसे लेके झापड़ मारना इवेंट, झापड़ मारना ही है इवेंट, अभी भी क्या है? झापड़ मारना. बट पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था? लेट आने की वजह से मारा था, वो नॉन फाइनेंशियल. बट अगर मैंने पैसे लेके झापड़ मारा, यदि अगर आप मैं पैसे लेके झापड़ मार रहा हूँ तो झापड़ मारना फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है? अब पैसे लेके झापड़ मारना क्या हो गया? फाइनेंशियल. पैसे लेके झापड़ मारना क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल. पैसे लेके झापड़ मारना क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल. तो इवेंट वही है, इवेंट वही है झापड़ मारना. बट एक इवेंट फाइनेंशियल हो गया, एक इवेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, एक इवेंट नॉन फाइनेंशियल हो गया. क्यों? क्योंकि एक लेट आने की वजह से मारा था और एक क्यों मारा था? एक क्यों दिया था हमने? पैसे लेके दिया था. एक क्यों दिया था हमने? पैसे लेके. इफ द एक्सचेंज, एक्सचेंज चाहे सेम ही रहने दो बट इफ इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो फाइनेंशियल है, वो फाइनेंशियल है. इफ इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो क्या है? फाइनेंशियल. जमता यहाँ तक आया ना? दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? माइक बंद कर दो आप लोग, सभी लोग माइक बंद कर दो.
लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? जिसको पता है रेज योर हैंड और जवाब देना शुरू करो. अकाउंट मतलब क्या है, लगता क्या है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? अकाउंट मतलब क्या होता होगा? यस सोहम बोलिए. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? अकाउंट मतलब क्या लगता है आपको, क्या होता होगा? एक्सचेंज ऑफ मनी. नहीं नहीं नहीं, देखो एक मिनट मैं आपको डिफरेंस बता दूं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस इज अकाउंट्स. ये अकाउंट्स था विद एस, ये अकाउंट है विदाउट एस. दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं है. वह अकाउंट्स था, यह अकाउंट है. वह अकाउंट्स था और यह अकाउंट है, तो दोनों में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? सो हम माइक बंद कर दे बेटा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड अकाउंट? मैं आपको बताऊं क्या. अकाउंट जो है, अकाउंट, अकाउंट आपने बचपन से बनाया, अकाउंट आपने बचपन से बनाया. मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है. अकाउंट इज नथिंग बट अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. एक व्यक्ति या वस्तु की डिटेल इन्फॉर्मेशन. अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ जब हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे? यहाँ जब हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल? हम कौन सी इन्फॉर्मेशन की? यस yes, क्योंकि अकाउंट में इत्यादि फाइनेंशियल को है. नॉन फाइनेंशियल को बोलना बाहर. नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? तू बाहर ही रहे, तू बाहर ही रहे, तू अंदर नहीं आना. यहाँ इज्जत ही नॉन फाइनेंशियल को, सिर्फ फाइनेंशियल को है, नॉन फाइनेंशियल को तो वैसी इज्जत नहीं है. तो डिटेल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. एक व्यक्ति या वस्तु की डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपने मेंटेन किया, एक व्यक्ति या वस्तु की डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपने मेंटेन किया तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंट. मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बचपन से अकाउंट बनाया. सर कैसे? सर कैसे? तो बचपन में बुआ आई, घर पे बुआ आती थी, आज भी आती है बुआ. तो जब वो वापस जाती है तो पैसा दे के जाती है ना, 1000 रुपये दे दी आपको. बुआ आई, 1000 रुपये दी, तो आपके पास में 1000 रुपये की कैश आ जाती है. मेरे साथ मत लिखिए, मैं लिखने को टाइम दूंगा, लिखने का तरीका बताऊंगा. ध्यान रखिए मेरे साथ ना लिखिए, ठीक है? बताऊंगा, लिखने को टाइम दूंगा ना, पहले सुन लो, सुन लो. जैसे बुआ ने आपको 1000 रुपये दिए, आपने ये 1000 रुपये कहाँ कहाँ खर्चा किए होते उसका हिसाब होता है आपके पास. आपको बहुत समय से एक चॉकलेट लेनी थी, बहुत महंगी थी, मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी ने नहीं दी. अब पैसे आ गए, अब पैसे आ गए, आप गए मार्केट में, गए चॉकलेट लेके आ गए, 250 रुपये की चॉकलेट थी, सेलिब्रेशन का बढ़िया पैकेट लेके आया, बोले अब मैं बैठ के खाएंगा. तो 250 रुपये का एक चॉकलेट का पैकेट खरीद के लेके आ गए आप. बैलेंस कितना बचा? 1000 में से 250 चले गए, बैलेंस कितना बचा? बोलो 1000 में से 250 चले गए, बैलेंस कितना बचा? 750. अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अकाउंट्स में -250 लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखते, माइनस का साइन ऐसा नहीं लिखा जाता. अगर हमको बताना है कि ये निगेटिव है, इसको माइनस करना है, इसको हटाना है, इसको कम करना है, तो 200 हम ऐसा लिखते हैं, -200. वी राइट इट इनटू राउंड ब्रैकेट, वी राइट इट इनटू राउंड ब्रैकेट, -200 वी राइट इट इनटू राउंड ब्रैकेट, वो हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं. क्लियर है यहाँ तक? और हाँ या ना, यस और नो? पक्का? कोई डाउट? तो ये जो है, ये हमने क्या किया, 200-250 रुपये खर्चा कर दिए, बैलेंस बचा 750. हमको एक खिलौना लेना था, 150 रुपये का एक छोटा सा खिलौना था, 150 रुपये का, वो ले लिया, बैलेंस बच गया 600. हमको पेन खरीदना था, एक पेन, पेन मम्मी से क्या पैसे मांगू, है मेरे पास पैसे, 50 रुपये से पेन लिया, बैलेंस कितना बच गया? 550. ऐसा हमने हिसाब मेंटेन किया रहता है ना. अच्छा इतना कागज पेन पे नहीं लिखा हमने, प्लस माइनस करके इतना कागज पेन पे नहीं लिखा, बट आपको नहीं लगता कि वो जो बुआ ने दिया हुआ कैश है वो आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया उसका हिसाब होता है दिमाग में? याद तो होता है हमको, याद तो होता है. यस और नो? दिस इज नथिंग बट कैश अकाउंट. ये जो आपने बनाया, ये कौन सा अकाउंट बनाया? कैश का अकाउंट. ठीक है, हमारे लैंग्वेज में हम उसको थोड़ा फॉर्मेट में दे देंगे, डेबिट क्रेडिट अलग अलग ऐसा कुछ सिस्टम बना देंगे, बट क्या अकाउंट आपने बचपन से बनाया या नहीं बनाया? दिस वॉज नथिंग बट योर अकाउंट विच वी हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर चाइल्डहुड. बचपन से बनाया. कंचे खेलने जाते थे ना, कंचे, 6 कंचे लेके गया मैं. आपने शायद, पता नहीं आपने कंचे खेले या नहीं खेले, आप उस जनरेशन के हो या नहीं हो, आप लोग मोबाइल फ़ोन के जनरेशन से हो, मतलब आप लोगों को इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है, मतलब बचपन में तो यही लगता था, इस जनरेशन के लोग हो आप लोग, है ना? नहीं पता नहीं, आई डोंट नो. अब ऐसा बोल रहे हो सर, जनरेशन मतलब आप कब के हो, कब के मॉडल हो, कब के मॉडल हो आप लोग, कब के मॉडल हो? मॉडल नहीं, कब का ईयर ऑफ बर्थ क्या है आपका? 2005. मैं 91. बहुत है सर, जनरेशन गैप बोलते सर, 91 और 2005 इज जनरेशन गैप, ठीक है? 14 साल का फर्क है उसने, चलो कोई बात नहीं. तो अब मेरे को बताओ, ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है, ये क्या हो गया? कैश थिंग, वस्तु, कैश वस्तु है, उसका अकाउंट बना दिया हमने. उसी तरह हॉस्टल में रहता है क्या कोई हमारे बीच में? हॉस्टल में रहता है क्या कोई?
डू एनी वन रिसाइड इन हॉस्टल? नहीं, हॉस्टल में रहने वाले ने ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा एक दोस्त होता है जो नालायक होता है, जो हर मंथ मंथ एंड में आता है, बोलता है कृष्णा भाई पैसे खत्म हो गए थोड़े पैसे उधार दे। हॉस्टल में बहुत होता है पैसे खत्म हो गए थोड़े पैसे उधार दे। अब अपने पास थे 1000 रुपये एक्स्ट्रा के, अपन ने दे दिए, अपन वो दोस्त को नाम दे देंगे रोहन। हमने रोहन को 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये थे हमारे पास एक्स्ट्रा, हमने दे दिए। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किए नहीं किए आई डोंट नो, जब पैसे जाते तो पैसे एक साथ जाते, बट जब वापस आते हैं तो किश्तों में आते। है ना, रोहन क्या करेगा, बोलेगा अपन सुबह ने नाश्ता करने गए थे, है ना, तेरे नाश्ते का पैसा मैंने भरा था, वो 50 रुपये का नाश्ते का पैसा भरा था मैंने, तो बैलेंस कितना बच गया 950, ब्रेकफास्ट के लिए भरा था, बोले काहे के लिए भरा था ब्रेकफास्ट। ट्यूशन अपन एक ही बाइक पे जाते रोज, तो तेरा पेट्रोल का कॉन्ट्री, तेरा पेट्रोल का गाड़ी तो मेरी है, तेरा पेट्रोल का कॉन्ट्री 300 रुपये, तेरा पेट्रोल का कॉन्ट्री मैंने डाला, बैलेंस बच गया 650। फिर वो हॉस्टल में किसी का बर्थडे हुआ, बर्थडे के लिए केक लाया गया, केक के लिए पैसे कृष्णा, अच्छा जान दे कृष्णा तेरे पैसे मैं भर देता हूँ, 150 रुपये उसने वो केक के भर दिए, जो एक हमारे फ्रेंड का बर्थडे था, बैलेंस बच गया 500। फिर घूमे फिरे 200 रुपये उसके पास में कैश था, 200 रुपये कैश ला कर दे दिया, बैलेंस बच गया 300। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको नहीं लगता दिस इज नथिंग बट रोहन अकाउंट, दिस इज नथिंग बट रोहन अकाउंट? रोहन ने कब कब कैसा कैसा कितना कितना पैसा वापस किया, रोहन ने कब कब कैसा कैसा कितना कितना पैसा वापस किया, आपको नहीं लगता ये वो अकाउंट है? यस और नो? तो ये रोहन का अकाउंट हो गया, ये किसका अकाउंट हो गया? रोहन। बट हमने यहां डेबिट क्रेडिट नहीं, हमने प्लस माइनस से बनाया, हमने कैसे बनाया? प्लस माइनस से। इसको फॉर्मेट कैसा रहेगा, कैसा बनेगा, ये लैंग्वेज में वो सब मैं सिखाऊंगा, वो सब मैं सिखाऊंगा। बट अभी अगर मैं जो अभी तक मैंने पढ़ाया इसको अगर मैं कनेक्ट करूं, इसको अगर मैं कनेक्ट करूं और मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या कि अकाउंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, जो हमारा सब्जेक्ट अकाउंट अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज अकाउंट्स अकाउंटेंसी? इट इज अ लैंग्वेज, भाषा है। भाषा का काम क्या है? भाषा का काम क्या होता है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन? ये हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेगा कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को? सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेगा? फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल मतलब हमने देखा वेयर द एक्सचेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, ये रिकॉर्ड कहाँ करने वाला है? ये रिकॉर्ड कहाँ करने वाला है? ये रिकॉर्ड कहाँ करने वाला है? रिकॉर्ड कहाँ करेगा? अकाउंट। ये जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे, जो हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है, वो कहाँ मेंटेन करनी है? अकाउंट में। अकाउंट बनाए जाते हर एक पर्सन हर एक थिंग के, अलग अलग अकाउंट बनाए जाते, वहां उन पर्सन उस थिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वहां उस पर्सन उस थिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो दिस इज अकाउंट्स, दिस अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे हम? अकाउंट में। रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेंगे? फॉर्मेट बना के अकाउंट में इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ, जैसा मेरे को एक चीज बता, मेरे को एक चीज बता, अकाउंट के अंदर जैसा मेरे को बता, मेरे को मेरी फीलिंग्स लिखना है तो मैं मेरी फीलिंग्स कहाँ लिखूंगा? मैं मेरी फीलिंग्स कहाँ लिखूंगा? इस किताब पे लिखूंगा कि इस किताब के पन्नों पे लिखूंगा? दैट पन्ने इज अकाउंट, दैट पन्ने इज अकाउंट। किताब इज अकाउंटेंसी, किताब हमारा सब्जेक्ट है, बट इसके जो पन्ने हैं, इसमें अलग अलग पन्ने जो है वो अकाउंट होते हैं, जिसमें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते एक पर्सन और एक थिंग की, एक इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते एक पर्सन और एक थिंग की। अभी समझा? पूरा वो पन्ने का बंडल, ये जो पन्नों का बंडल है, इसको मिला के अकाउंटेंसी बोलोगे आप? पन्नों का बंडल मिला के क्या बोलोगे? अकाउंटेंसी। क्लियर है? और भी बहुत आता है अकाउंटेंसी में, सिर्फ अकाउंट ही नहीं आते, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। एक एग्जाम्पल था वो, एक एग्जाम्पल था वो। क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या आएंगा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। सिर्फ कोई नहीं, सिर्फ अकाउंट, अकाउंट का बंडल बना लिया अकाउंटेंसी, ऐसा नहीं होता है। अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में सिर्फ, लैंग्वेज में सिर्फ वोकैबुलरी है क्या? सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वर्ब है, नाउन है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। क्लियर है? अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे, स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना, आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे। क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? अरे सही है ना, मैंने सही प्रूफ करवा के दिया तो? नहीं नहीं मैंने सही प्रूफ करवा के दिया तो? देखो, आई विल प्ले फुटबॉल यस्टरडे, आई मतलब मैं, विल प्ले मतलब खेलूंगा, फुटबॉल इज फुटबॉल, यस्टरडे मतलब कल, मैं कल फुटबॉल खेलेंगा।
सही है ना? हाँ, हिंदी में बोले तो सही लगता, बट इंग्लिश में गलत। इंग्लिश में क्यों गलत है सर? इंग्लिश में गलत है सर। क्यों? क्यों सर? क्योंकि विल प्ले के साथ यस्टरडे नहीं आता। विल के साथ यस्टरडे नहीं आता। एक काम करो सर, यस्टरडे को या तो टुमारो कर दो या विल प्ले की जगह हैड प्लेड कर दो। दोनों बदलो कि दोनों में से एक बदलो? दोनों मत बदलो, दोनों में से कोई एक बदल दो, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन को बदल दो तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दोनों मत बदलो, दोनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन को बदलो तो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यस और नो? ये आप क्यों बोल पाए? ये आप क्यों बोल पाए? क्योंकि बचपन से, आपने टेंसेस पढ़े। टेंसेस मतलब ग्रामर ना? टेंसेस मतलब ग्रामर? यस और नो? टेंसेस मतलब ग्रामर? तो ग्रामर मतलब मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ग्रामर मतलब उस लैंग्वेज के रूल। ग्रामर को मैं अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ग्रामर मतलब उस भाषा के रूल। यस और नो? ग्रामर मतलब उस भाषा के रूल। तो अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। अकाउंट्स भी क्या है? एक लैंग्वेज है। अकाउंट्स क्या है? लैंग्वेज। इसके भी कुछ ग्रामर है। इसके ग्रामर्स को बोला जाता है गोल्डन रूल। अकाउंट्स ये जो भाषा है इसका कुछ ग्रामर है, उसके ग्रामर को बोला जाता है गोल्डन रूल। क्या बोलेंगे हम? गोल्डन रूल। तो मैं एक बार कनेक्ट करवा के देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। ध्यान दो, ध्यान दो, 2 मिनट समझो, कनेक्ट करो। थोड़ा बारीक है बट ध्यान रखना पोजीशन किसकी कहाँ पे है, तो समझेगा मैं कैसा कनेक्ट करवा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले हमने क्या बोला? व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या था? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजेक्शन? हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करेगा कि सिर्फ फाइनेंशियल? दिस विल गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेगा ये ट्रांजेक्शन? कहाँ रिकॉर्ड करेगा वो? अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करेगा? अकाउंट में। विद द हेल्प ऑफ, क्या बोला मैंने? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। विद द हेल्प ऑफ गोल्ड। तो अकाउंट्स ये एक भाषा है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अकाउंट्स ये एक भाषा है जिसका काम है रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करना। अकाउंट्स ये एक भाषा है जिसका काम है रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंट में। किसकी मदद से? गोल्डन रूल की मदद से। रूल की मदद से हम स्टेटमेंट बना पाते हैं। इंग्लिश ग्रामर स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको बोला ये स्टेटमेंट आपने गलत बोला बिकॉज ऑफ द गोल्ड, बिकॉज ऑफ द ग्रामर विच यू हैव बीन टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसी तरह अकाउंट्स का लैंग्वेज का जो ग्रामर है उस ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। उस ग्रामर को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। तो अकाउंट्स ये भाषा में रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कहाँ रिकॉर्ड करना है? अकाउंट में। किसकी मदद से? गोल्डन रूल की मदद से। किसकी मदद से? गोल्डन रूल की मदद से। आई होप यहाँ तक समझा है। अच्छा, 1 मिनट और एक चीज समझेंगे, एक चीज और समझेंगे। हर भाषा को लिखने का तरीका होता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन वे ऑफ राइटिंग। जैसा आपने अगर देखा होगा हिंदी लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश राइट टू लेफ्ट, नहीं हिंदी भी हिंदी लेफ्ट टू राइट, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट, उर्दू उर्दू उल्टा राइट टू लेफ्ट। हिंदी में शब्द ऊपर की लाइन से लटकते, इंग्लिश में शब्द नीचे से उठते। तो बताओ ये भाषा को लिखने का तरीका है ना, ये उन भाषा को लिखने का तरीका है। उसी तरह अकाउंट्स भी एक भाषा है, अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। इसको लिखने का एक अलग तरीका है। अकाउंट्स 2 लाइन में लिखा जाता है। कितनी लाइन में लिखा जाता है? दो। दो लाइन में मतलब कैसा? ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकेंड लाइन। अकाउंट्स 2 लाइन में लिखा जाता है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। और जो फर्स्ट लाइन का एंड रहता है इसको हम बोलते हैं डेबिट। जो फर्स्ट लाइन का एंड रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? डेबिट। अकाउंट में फुल स्टॉप कॉमा एक्सक्लामेटरी इस सब का इस्तेमाल ही नहीं होता। हमको बोलना है पहला सेंटेंस खत्म, हम बोलेंगे डेबिट। हमको बोलना है दूसरा स्टेटमेंट खत्म, हम बोलेंगे क्रेडिट। तो अकाउंट्स ये लैंग्वेज है, अकाउंट्स ये लैंग्वेज है जिसमें रिकॉर्ड करने के लिए 2 लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट लाइन का एंड डेबिट है, सेकंड सेंटेंस खत्म हो गया तो फुल स्टॉप नहीं, सेकंड लाइन पे स्टेटमेंट खत्म हो गया तो हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट। फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता। फर्स्ट सेंटेंस खत्म डेबिट चिल्लाना है, सेकंड सेंटेंस खत्म क्रेडिट चिल्लाना है। अच्छा, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डी आर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सी आर। डेबिट इज डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डी आर एंड सी आर, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकाउंट्स ये भाषा को लिखा जाता है 2 लाइन में। अकाउंट्स ये भाषा को क्या लिखा जाता है? 2 लाइन में। अब अगेन कनेक्ट करेंगे, सब चीजें कनेक्ट करेंगे। क्या हुआ अब तक के, क्या क्या पढ़ा हमने? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। देखो, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स ये एक भाषा है जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करना है? अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करना है? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। अच्छा मेरे को बताओ जी, ये जो गोल्डन रूल बनाना है, ये जो हमको गोल्डन रूल बनाना है, आपको नहीं लगता ये रूल बनाना पड़ेगा टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन एंड थिंग्स?
हमको जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है व्यक्ति और वस्तु की मेंटेन करनी है, अरे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है एक पर्सन से कितने पैसे लेने हैं कितने पैसे देने हैं, या कितना वस्तु जैसा कैमरा मेरे पास है वो कितने का है, मॉनिटर मेरे पास है वो कितने का है, टेबल मेरे पास, फर्नीचर मेरे पास है कितने का है, बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है, यही सब तो हिसाब रखना है ना हमको, यही सब तो हिसाब रखना है। मतलब वी हैव टू कीप अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन एंड थिंग। तो मेरे को जो रूल भी बनाना है, मेरे को जो रूल भी बनाना है वो पर्सन और थिंग्स के लिए बनाना है, मेरे को जो रूल बनाना है वो भी पर्सन और थिंग्स के लिए बनाना है। मतलब अकाउंट्स एक लैंग्वेज है जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करना है? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। तो हमको रूल बनाना पड़ेगा फॉर एवरी पर्सन एवरी थिंग, हमको रूल बनाना पड़ेगा फॉर एवरी पर्सन एवरी थिंग। जो गोल्डन रूल बनाना है विल हैव टू मेक इट फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी थिंग। चलो हम रूल बनाते, एक रूल बनाते। अभी जैसा हमारे क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, मैंने हर एक बच्चे के लिए एक एक रूल बनाया। आप पैदल आओगे, आप साइकिल से आओगे, आप तैर के आओगे, आप उड़ के आओगे, आप नहा के आओगे, ऐसे मैंने 40 के 40 बच्चों को रूल बनाकर दे दिया। मैं कहता हूँ मैंने रूल बना दिया, ये रूल कल खुद मुझे याद रह पाना प्रैक्टिकल है क्या? 40 रूल कल खुद मुझे याद रह पाना प्रैक्टिकल है क्या? चलो 40 रूल एक बार के मैं याद भी रख लूँ, 40 रूल एक बार के मैं याद भी रख लूँ, अगर वहीं 40,000 लोग रहते तो 40,000 लोगों के रूल याद कर पाना हमारे लिए फिजिबल है क्या? अच्छा ये तो पर्सन हुए, ये तो पर्सन हुए, उसके अलावा थिंग्स, ये एसी, ये कंप्यूटर, ये मॉनिटर, ये स्क्रीन, टेबल, फर्नीचर, बुक्स, माइक, इतने सारे थिंग्स है, इन सब के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल है क्या? तो क्लास जब भी हमको रूल बनाना होता है, जब भी हमको रूल बनाना होता है, जैसा सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा मैं बात करना चाहूंगा इनसे। मर्जीश बेटा आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? आप कौन से स्कूल से पढ़े हो? बीवीएम सिविल लाइन नागपुर, बराबर है। तो मर्जिश आपके स्कूल का, चलो इनके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, इनके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से इनके स्कूल की स्ट्रेंथ 2,000 स्टूडेंट की है, 5वीं से लेके 10वीं तक की अगर मैं बात करूँ तो 2,000 स्टूडेंट का इनका स्कूल का स्ट्रेंथ है। प्रिंसिपल को 500 बच्चों को ग्राउंड पर बुलाना है, सुबह सुबह असेंबली में खड़ा हुआ रोहन, सोहन, मोहन, सोनल, स्नेहल, अवंती, और ये एक 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 करके उन्होंने 500 बच्चों के नाम लिए और उसके बाद बोला ये बच्चे ग्राउंड पे आ जाओ। 500 बच्चों के नाम लेने को टाइम लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? उनने जब तक 500 बच्चों के नाम नहीं, जब तक के उन्होंने 500 बच्चों के नाम नहीं लिए होंगे, आपने 50,000 गालियां मार दी होंगी कि सुबह सुबह असेंबली में खड़ा कर दिया, पगला है क्या, ये वो सब सब निकल गया होगा आपके अंदर से। अगर अच्छा इनके स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो आप, या आपके स्कूल पर भी ध्यान दोगे तो आपके स्कूल को आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था, ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा होता है। जैसा मर्जिश आपके स्कूल में ग्रुप्स या हाउसेस में डिवाइड किया हुआ था क्या आपको? क्या थे जरा बताएंगे? लीली, लोटस, जैस्मिन, डेफोडिल, ऐसे 4 ग्रुप्स बनाए थे, लीली, लोटस, जैस्मिन एंड डेफोडिल। अगर स्कूल प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना बोला रहता लीली ग्रुप के स्टूडेंट्स ग्राउंड पे आ जाओ, स्कूल के प्रिंसिपल ने अगर सिर्फ इतना बोला रहता लीली ग्रुप के स्टूडेंट्स ग्राउंड पे आ जाओ, तो हम मान सकते हैं ना कि 2,000 की कैपेसिटी है तो हर ग्रुप में 500 500 500 500 बच्चे होंगे। जैसे उसने लीली ग्रुप के स्टूडेंट्स ग्राउंड पे आ जाओ, उसको अप्रॉक्स अराउंड 500 स्टूडेंट ग्राउंड पे मिल जाएंगे, यस और नो? तो ऐसा कैटेगरी में डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ? ऐसा कैटेगरी में डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ? हमारा वर्कलोड आसान हो गया, हमारा काम आसान हो गया। मेरे को 500, माइक माइक बंद करो, माइक बंद करो, मेरे को 500 बच्चों के नाम लेने पड़े क्या? मेरे को 500 बच्चों के नाम लेने पड़े कि एक वर्ड में काम, एक लाइन में काम हो गया, काम जल्दी हो गया? जब भी हमको रूल बनाना होता है, हमारी सोसाइटी के तरफ देख लो, हमारे सोसाइटी को अगर आप देखोगे तो हमने रूल क्या अलग अलग बनाया क्या? हमने लड़कों के लिए ये रूल, लड़कियों के लिए ये रूल बनाया, लड़कों का पहनावा ये रहेगा, लड़कियों का पहनावा ये रहेगा। हमने एक एक को बताया क्या तेरे को ये पहनना है, तेरे को ये पहनना है, तू ये पहनेगा? हमने ये इंडिविजुअल रूल बनाया कि लड़का लड़की जेंडर कैटेगरी वाइज रूल बनाए? आया ना? जैसा हमारी सोसाइटी में देख लो तो कम्युनिटी वाइज रूल है, हिंदू के रूल अलग है, मुसलमान के रूल अलग है, सिख के रूल अलग है, क्रिश्चियंस के रूल अलग है। हमने हमारे रूल हमारे रिलीजन के हिसाब से बनाए हुए। जिस भी कम्युनिटी में आपका बर्थ हुआ आपको क्या रूल अलग से पढ़ाया जाता है क्या? आप हिंदू हो, अगर आप हिंदू कम्युनिटी में बर्थ होता है तो यू विल गोइंग टू प्रे द गॉड बाय जॉइनिंग द हैंड्स। अगर आप दूसरे कम्युनिटी में जाते हो, चर्च में अगर आप जाते हो, तो यू विल गोइंग टू मेक द क्रॉस। तो ये क्या हमने एक एक को इंडिविजुअली बनाया कि कम्युनिटी वाइज ग्रुप बना रखा है? हमने जो ग्रुप, हमने जो रूल्स बना रखे, क्या ये इंडिविजुअल को बताया कि हमने ग्रुप के लिए बनाया, कैटेगरी के लिए बनाया? तो दिस इज हाउ देखो देखो, जैसा एक और रहता है घर में, अगर आपने देखा होगा तो बड़ों के लिए अलग रूल है, छोटों के लिए अलग रूल है। बड़े 8 बज गए उसके बाद भी बाहर घूम रहे तो इनको कोई डांट नहीं पड़ती, 8 बज के 1 मिनट बाद भी हम घर पे आते तो हमारे घर वाले चालू हो जाते, कहाँ घूम रहा था, ज्यादा मस्ती आ गई, अगर चालू हो जाते बराबर। तो हमने भी जो रूल बना रखे वो बड़े और छोटे,
बड़े और छोटे मतलब आपको अलग अलग बताया गया है क्या? आप जिस दिन बड़े हो जाओगे शायद 8 बजे के बाद आप भी बाहर घूमोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि बड़ों के लिए अलग रूल है, छोटों के लिए अलग रूल है। तो हमने कभी किसी को इंडिविजुअल को बताया कि आपको ये करना है कि कैटेगरी वाइज रूल है, कैटेगरी वाइज। तो हम चीज़ों को कैटेगरी में डिवाइड करके हमारा वर्कलोड कम कर देते चीज़ों को। जैसा प्रिंसिपल ने लिली ग्रुप के स्टूडेंट्स को ग्राउंड में आ जाओ ये कैटेगरी बोली तो अपना वर्कलोड कम कर दिया, उन्होंने अपना वर्कलोड कम कर दिया। तो अकाउंट्स ये भाषा है, अकाउंट्स ये लैंग्वेज है जिसमें रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करना है? अकाउंट में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन, यही इंफॉर्मेशन है ना, इन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड, ध्यान से सुनना, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस अकाउंट, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस अकाउंट इंटू टू कैटेगरी। ये जो अकाउंट है इसको कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, अकाउंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, एक हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल अकाउंट दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। दो कैटेगरी क्या क्या हो जाएंगी? एक हो जाएगा आपका रियल अकाउंट और एक हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो आपके मेजर कितने अकाउंट बन गए, कितनी कैटेगरी बन गई? तीन कैटेगरी बन गई। कितनी कैटेगरी बन गई आपकी? तीन। कौन सी बोलो मेरे साथ। पहली कैटेगरी क्या है? अकाउंट को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सी तीन कैटेगरी? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो अब मेरे को हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल याद करना है कि सिर्फ तीन ही रूल याद रखना है? हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल याद रखना है कि तीन रूल लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला? अब हमको यहाँ पे हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल याद नहीं रखना है, हमको कितने रूल याद रखने हैं? तीन। कितने रूल याद रखने हैं? तीन। ठीक है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, वापस ध्यान देना, वापस ध्यान देना, एक बार ध्यान देना। यहाँ कनेक्ट जब जब कनेक्ट कराऊंगा तब तब ध्यान देना है आपको, ठीक है? उसी से कनेक्ट होगा। व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम क्या है, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम क्या है, टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट कौन से ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंट में। किसकी मदद से? किसकी मदद से? बट हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना फिजिबल है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया, पर्सन और थिंग्स को कैटेगरी में डिवाइड किया। कितनी कैटेगरी बना ली हमने? कौन सी? रियल एंड नॉमिनल। और हमने ये तीन कैटेगरी के हिसाब से रूल बना लिया। तीन कैटेगरी के हिसाब से रूल, यानी पर्सनल का रूल अलग, रियल का रूल अलग और नॉमिनल का रूल अलग। हमने ये तीन कैटेगरी के तीन अलग अलग रूल बना लेने हैं, तीन कैटेगरी के तीन अलग अलग रूल बना लेने हैं। पर्सनल का रूल अलग है, रियल का रूल अलग है, नॉमिनल का रूल अलग है। अब रूल भी हम दो दो लाइन के लिए बनाएंगे, क्योंकि अकाउंट दो लाइन में लिखा जाता है तो रूल दो लाइन के लिए लगेगा। फर्स्ट लाइन का रूल अलग रहेगा, सेकेंड लाइन का रूल अलग रहेगा। जैसा कैसा पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दो लाइन है ना, अकाउंट दो लाइन में लिखा जाता है। अभी बताया ये यूनिक तरीका है, दो लाइन में लिखा जाता है। तो डेबिट द रिसीवर, दो दो लाइन के रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ऐसे हमने तीन कैटेगरी के तीन रूल बना लिए। तीन कैटेगरी के हिसाब से हमने क्या किया, तीन रूल बना लिए। और ये रूल की मदद से, ये गोल्डन रूल की मदद से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ये गोल्डन रूल की मदद से हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। एक बार मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। एक मिनट, ये सब हटा लेने दो मेरे को। चलो एक बार मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक आपको, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट डू मीन बाय अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इज द लैंग्वेज जिसका काम क्या है, टू रिकॉर्ड, हाँ जिसका काम है टू रिकॉर्ड। माइक बंद करके बोलो, माइक बंद करके बोलो, दिख रहे हो आप लोग बोल रहे हो तो माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज जिसका काम क्या है, टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट कौन से ट्रांजेक्शन, कौन से ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। तो रूल हमको बनाना है फॉर एवरी पर्सन एंड थिंग, हर व्यक्ति वस्तु के लिए रूल बनाना है। बट वो हमारे लिए फिजिबल है क्या, हर पर्सन हर थिंग का अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल है क्या? तो हमने क्या किया, पर्सन और थिंग्स मतलब जो अकाउंट था उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के हिसाब से हमने तीन रूल बना लिए। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल, डेबिट व्हाट। दो दो रूल के लिए, दो दो लाइन के लिए क्यों बनाया रूल, दो दो लाइन के लिए क्यों बनाया,
क्योंकि अकाउंट भाषा एक लाइन में लिखी जाती है, दो लाइन में लिखी जाती है। अकाउंट्स भाषा एक लाइन में नहीं लिखी जाती, कितनी लाइन में लिखी जाती है? दो। तो हमको दो दो लाइन के लिए दो दो रूल बनाने पड़े। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। पूरे अकाउंट्स में सिर्फ ये गोल्डन रूल है जो आपको याद करना है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हम लॉजिकली समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा। सिर्फ ये गोल्डन रूल याद रखने हैं हमको। और डोंट वरी, अभी एकदम डे वन पे मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको मैंने आज पढ़ाया, कल आपको बोलूंगा कि आपको याद हो जाने चाहिए। ये याद करा देने की जिम्मेदारी भी मेरी, मैं याद करवा दूंगा। मैंने बोला था ना आपको कि 15 दिन विश्वास रखो, मैं आपको याद भी करवा दूंगा, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा जहां मेरे को पहुंचाना है। बट यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे, कनेक्ट करवाने को टाइम लगेगा। यू विल हैव टू कीप पेशेंस, यू विल हैव टू कीप पेशेंस। अब तक समझा गया यहां तक? हाँ या ना, कोई डाउट है? हाँ बोलो, पूछो। यही तीन गोल्डन रूल है, इसके अलावा नहीं है। हो सकता है आप लोग ने अगर सुना होगा तो एक मॉडर्न अकाउंटिंग रूल वगैरह आपने कुछ सुना होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, कभी तो भी आगे पढ़ाऊंगा आपको। बट तब तक के यही तीन रूल है, यही तीन रूल है। रिकॉर्ड करने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक मॉडर्न अकाउंटिंग रूल आपने शायद सुन रखा होगा, मैं पढ़ाऊंगा बट बाद में, अभी नहीं। ठीक है, और कुछ? अब देखो, अकाउंट्स भाषा में रिकॉर्ड करना है ये रूल की मदद से। अब चलो कल से हम एक रूल बनाते हैं, या रादर चलो एक लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ सर्कुलेट कर दिया, इसके दो कॉलम बना दिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जिन बच्चों को चश्मा है वो अपना नाम यहाँ लिखे, जिन बच्चों को नो चश्मा है वो अपना नाम यहाँ लिखे। मैं एक स्टूडेंट, मैंने लिस्ट पढ़ा, चश्मा नो चश्मा। मैं इरिटेट हो गया, लास्ट में एक कॉलम और बना दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने मेरा नाम कृष्णा। प्रॉब्लम क्या हुई? रूल तो याद था, चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे, चश्मे वाले यहाँ, नॉन चश्मे वाले चश्मे, रूल याद था। बट जब तक मेरे को यही नहीं पता कि इस यंत्र को चश्मा बोलते, जब तक मुझे यही नहीं पता कि इस यंत्र को चश्मा बोलते, क्या ये रूल मैं खुद पे अप्लाई कर पाऊंगा क्या? आप रूल रट भी लो, पर्सनल अकाउंट का रूल ये है, रियल अकाउंट का रूल है ये है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है, आप रूल रट भी लो, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, क्या एंट्री पास करने के लिए वो रूल आप अप्लाई कर पाओगे कि पहले हमको पर्सनल, रियल, नॉमिनल का मीनिंग समझना पड़ेगा। पहले हमको समझना पड़ेगा कि चश्मा मतलब क्या, चश्मा मतलब क्या, कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम ये रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रूल याद करना सेकेंडरी है, याद करवा दूंगा मैं, मैंने बोला ना मेरी जिम्मेदारी है। बट पहले हमको समझना क्या है कि पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट मतलब क्या और नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या। इसका मतलब क्या होता है ये मैं कल पढ़ाऊंगा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के मीनिंग क्या होते हैं ये मैं कल पढ़ाऊंगा। आज मैंने सिर्फ एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारा सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है कि भाई दिस इज वॉट अकाउंटेंसी स्टैंड फॉर, दिस इज वॉट द अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी या अकाउंट स्टैंड फॉर, कि भाई वो एक भाषा है। अभी लिखना कुछ नहीं, अभी आपको कुछ नहीं लिखना, मैं टाइम दूंगा, कल टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए, डोंट वरी। कॉपी कैसी मेंटेन करना है, क्या करना है, मैं आप सबको अभी इंस्ट्रक्शन दूंगा, कल आराम से लिखना, अभी घाई मत करो। तो क्या है, एक बार मैं कनेक्ट करवा देता हूँ सारी चीज़ें। मैंने क्या पढ़ाया आपको अब तक के, अकाउंट्स एक भाषा है जिसमें रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करना है, कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कहाँ रिकॉर्ड करना है, अकाउंट में, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए रूल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, तो वी हैव डिवाइडेड दैट अकाउंट इनटू कैटेगरी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ऐसे तीन कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, वो तीन कैटेगरी के हिसाब से तीन रूल बना लिया, पर्सनल का रूल अलग, रियल का रूल अलग, नॉमिनल का रूल अलग, और ये तीन कैटेगरी के रूल के हिसाब से हमने सारे पर्सन, जब मैं आपको कल इन तीनों के डेफिनेशन समझाऊंगा, पर्सनल मतलब क्या, रियल मतलब क्या, नॉमिनल मतलब क्या, तब आपको समझेगा इस तीन डेफिनेशन में, तीन वर्ड्स या तीन कैटेगरी में सारे पर्सन और सारी थिंग्स कवर हो जाती है। इन तीन कैटेगरी में सारे पर्सन और सारे थिंग्स कवर हो जाते हैं। तो वही है, हमको हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तीन रूल में हमारा काम चल जाता है। तीन रूल में 300 रूल याद रखना आसान है कि तीन रूल याद रखना आसान है? ऑफकोर्स तीन रूल याद रखना आसान है। क्लियर है यहां तक? आया ना? तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल हम कल पढ़ेंगे, बट आज जो हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। लिखना नहीं है आज, लिखना नहीं है, नहीं है कोई डाउट? चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कि दिस वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर।
आप लोग कॉपी कैसे मेंटेन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अकाउंट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग, तो आपको कॉपी बहुत प्रॉपरली मेंटेन करना है, सो दैट कि जो कॉपी आप आज 11th के बेसिक्स को लेके मेंटेन कर रहे हो, जो आप रख रहे हो, ये आपको हमेशा और आखिरी तक काम आए। क्योंकि ये मैंने भी मेरे 11th स्टैंडर्ड का कॉपी अब तक संभाल रखा है। इवन मैं कई एग्जाम्पल वो ले रहा हूँ जो मेरे को उस वक्त हमारे टीचर ने पढ़ाए थे, तो हम एग्जाम्पल्स ये सब चीज़ें काम आती, जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू जॉट इट डाउन आप लिख सकते हो, सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिलते रहेंगे, तो अब आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो, ये ऑप्शन है। उस वक्त हमारे वक्त तो नहीं था ये ऑप्शन, बट जो कॉपी आप मेंटेन करोगे, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आप कॉपी फुल साइज का लेके आओगे। फुल साइज का कॉपी मतलब एटलीस्ट ये जो A4 साइज का कॉपी आता है, ये मोबाइल में समझ में नहीं आएगा, बट जो एक फुल साइज का कॉपी, फुल साइज का रजिस्टर होता है, वो साइज का रजिस्टर आपने लेके आना है, जिसके अंदर में प्रेफरेबली 200 पेज का रजिस्टर खरीद लो। कितने पेज का रजिस्टर बोल रहा हूँ मैं, 200, 100 पेज का मत लेके आना, कम से कम 200 पेज का रजिस्टर खरीद लो, क्योंकि 200 पेज में अपना 11th पूरा कवर हो जाता है, जो हमारा बेसिक्स हम पढ़ने वाले बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी या 11th जैसा भी आप बोलो, वो पूरा 200 पेजेस में मैं कवर करवा दूंगा, और वो कॉपी आपको हमारे लाइफ टाइम तक संभाल के रखना है। 12th का कॉपी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना 11th का कॉपी रहता है, क्योंकि दैट्स आवर फाउंडेशन, जिसमें हम बेसिक्स समझते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन रहता है सब्जेक्ट का रिलेटेड। फुल साइज का कॉपी रखना, उसके पीछे एक कारण है, चैप्टर की कई बार मैं समरी, कई बार मैं फ्लो चार्ट्स बनाता हूँ जो एक पेज पे नहीं आते, उसके लिए दो बड़े बड़े पेज लग जाते हैं, तो ऐसा आजू बाजू में दो बड़े पेज लगते हैं, तो फुल साइज के पेजेस लग जाते हैं, तब लिखने के लिए फ्लो चार्ट समरी फॉर्म, जो एग्जाम के वक्त एक दिन पहले दो दिन पहले उतना पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता, ऐसे कुछ फॉर्मेट, ऐसे कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं सब बनाकर दूंगा आपको ओवर द पीरियड। तो वो मेंटेन करने के लिए इट्स बेटर कि यू यूज फुल साइज पेपर, फुल साइज रजिस्टर। नहीं खरीद रखा होगा अब तक, नहीं होगा तो लेके आ जाओ, और नया रजिस्टर अच्छा लेके आना। कोई भी ये ऐसी कॉपी मेंटेन नहीं करना, ये जो रफ कॉपी रहती नहीं क्या, जिसके पेजेस थोड़े से ब्लर है, फटे जा रहे हैं, पुरानी कॉपी बची हुई है, बोले 10वीं के उसके पेजेस बचे हैं तो उसमें लिखना चालू कर दिया, ऐसी हरकत मत करना। दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी ऑफ योर लाइफ, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी साबित हो सकती है। तो प्रॉपरली उसको मेंटेन करो, जो पेन आपको समझ में आता है वो पेन से लिखो, कोई भी पेंसिल से मत लिखना, पेंसिल ओवर द पीरियड फेड हो जाती है। इट्स बेटर यू शुड राइट एवरीथिंग बाय विद द हेल्प ऑफ पेन। दो कलर के पेन वापर लो, लगे ब्लैक रेड दो पेन वापर लो, ब्लैक ब्लू दो पेन वापर लो, अगर आपको सजाना धजाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेन से भी आपने पूरी कॉपी मेंटेन की, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी राइटिंग में वो कॉपी होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, कैसी कॉपी मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, यस और नो? द बुक्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड, जितने भी बुक्स एंड नोट्स रहेंगे वो सारे चीज़ें आपको हमारे तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। माई नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट, जैसा आप देख रहे हो, और कोविड का सिचुएशन एंड एवरीथिंग होते हुए मैं आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में भी दूंगा। बाद में भी जो बच्चा रिकॉर्डेड मोड में देख रहा है, सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन है ही आपके पास, तो सॉफ्ट कॉपी में नोट्स हमेशा आपको मेरे नोट्स, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें हम प्रॉपरली एक कॉपी, एक नोट्स मेरा बनाया हुआ है फॉर्मेट की, इस क्वेश्चन, ये डिफिकल्टी के बाद ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, तो मैंने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस बना रखे ताकि आप उस लेवल से पढ़ते हुए, मेरे को पहुंचाना है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ आपको ये सीखना है, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे आपको उस लेवल तक पहुंचाना है। भाई मेरा काम है आपको सिखाने का, आपको सीखना है हाँ ठीक है, बट मेरा काम भी तो है आपको उस लेवल तक पहुंचाना, तो मैं आपको वहां लेवल तक पहुंचा के दूंगा, डोंट वरी, बट तब तक पेशेंस रखना है। जो मैंने आपको बोला था 12 से 15 दिन अगर आपने पेशेंस रखा तो यू फील दैट कि हाँ हम कहाँ पहुंच गए अभी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से शुरू करके कहाँ आए हैं। क्लियर है? इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, मेरे को आपसे 2 मिनट और बात करनी है, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो। चलो बाय बाय, आप लोग रुको, मेरे को बात करनी है।